भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार दोरंग बाखी, आपना लोकोर की खबर खुलंबई लोगोपर नंथांग मनहा मां बोरोईडांग। दो साल पहले मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपका आशीर्वाद लेने मंगलदोई आया था और वो मुझे बराबर याद है। आज मैं देख रहा हूं कि सिपाजार ने उस सभा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आप दूर दूर से यहां पहुंचे हैं और इतने लंबे समय से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप सुनता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, दुरांग के नाम में ही रंग है। ये रंग यहां की कला का है, ये रंग यहां की संस्कृति का है, ये रंग यहां के सामर्थ्य का है। मां महाकाली का इस पवित्र क्षेत्र हम सब पर मां महाकाली के आशीर्वाद बने रहे। श्रीमंत शंकरदेव के प्रिय शिष्य द्वारा स्थापित सत्र भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है। दरंगी कला विशेष रूप से औजापाली देश की सबसे आकर्षक परफॉर्मिंग आर्ट्स में से एक है। यहां असम साहित्य का भी मंगल तीर्थ है। आजादी के आंदोलन में भी दरांग के अनेक सेनानियों ने इस धरती की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। पत्थरघाट की किसान क्रांति देश की आजादी की लड़ाई का एक अहम हिस्सा है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, तो मैं आज वीरों की बलिदानियों की इस पवित्र धरती को और इन वीर शहीदों को शत शत नमन करता हूं। आज असम राइफल्स का 186वां रेजिंग डे भी है। असम राइफल्स का देश की रक्षा में गौरवमयी इतिहास रहा है। मैं आज असम की धरती से असम राइफल्स की शौर्य परंपरा का अभिनंदन करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। साथियों, असम के एक क्षेत्र की कला की, यहां के सामर्थ्य की, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में
बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए आज मैं आपके बीच डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने के आग्रह के लिए आपके पास आया। भाजपा के सम्मान असम की भाषा वेशभूषा संस्कारों और संस्कृति का सम्मान, सुरक्षा करप्शन से, सुरक्षा हिंसा से, सुरक्षा आतंक से, सुरक्षा घुसपैठ से, सुविधा पढ़ाई की, सुविधा दवाई की, सुविधा कमाई की, सुविधा आवाजाही की और सुविधा सिंचाई की। भाइयों और बहनों, 5 साल पहले आपके बीच हम परिवर्तन के वायदे के साथ आए थे। आज तेज विकास के डबल विश्वास के साथ आए हैं। असम बीजेपी ने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है, उनकी सिद्धि असम में समृद्धि लाएगी। मैं असम बीजेपी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र तैयार किया है, इतना बढ़िया विजन के साथ काम किया है, इतने बढ़िया रोड मैप के साथ काम किया है। मैं इस संकल्प पत्र के लिए असम बीजेपी के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ भविष्य के असम का, आत्मनिर्भर असम का विजन लेकर के भी आए हैं। 5 साल से जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो सेतुओं वाली सरकार है। हमने विकास के सेतु बांधे हैं। आज असम के हर हिस्से में एक समान विकास हो रहा है, जबकि कांग्रेस के शासन में भेदभाव, हर बात में भेदभाव। ये भेदभाव, भेद भी करना और भेदभाव रखना, ये उनकी आदत है, संस्कार है, तरीका है। ये बातें सामान्य थी। हमने संस्कृति के सेतु बांधे हैं। दर्जनों जनजातियों के सौहार्द को मजबूत किया है। बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़ और भैयाम आज सभी एक ही समान अपनी संस्कृति और परंपरा को साझा कर रहे हैं। हमने शांति के सेतु बांधे हैं। 5 साल में हिंसा पर लगाम लगी है, जबकि कांग्रेस के शासन में हिंसा आम बात थी। बगल में बंगाल में देखिए, 10 साल से बैठे आए दिन हत्याएं, आए दिन बम धमाके, आए दिन मौत के खेल खेले जाते हैं। असम में हमने पूरी संवेदनशीलता और विश्वास के साथ
ऐतिहासिक बोडो समझौते को करके असम में स्थायी शांति का मार्ग मजबूत किया है। आज बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का एरिया ही इतना ही नहीं बल्कि पूरा असम शांति के साथ विकास के नए पथ पर चल पड़ा है। साथियों, सेतुओं का, ब्रिज का अभाव क्या होता है इसको दरांग से बेहतर कौन समझ सकता है। याद कीजिए साथियों, कुछ साल पहले तक आपको गुवाहाटी जाने के लिए कितना समय लगता था, कितनी मुश्किलें होती थी। आपको सराय घाट पर दूसरे ब्रिज के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ा। एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने तेजी से सराय घाट पर पुल बना दिया है। डबल इंजन की सरकार ने नए पुल बनाने के साथ ही उन पुलों को भी पूरा कराया जिन्हें कांग्रेस ने बरसों से लटकाया, अटकाया और भटकाया। सोचिए, कांग्रेस के दशकों साल के शासन के बाद भी असम में सिर्फ तीन बड़े पुल बन पाए, लेकिन एनडीए सरकार के छह सालों के भीतर ही असम में ढोला सदिया, बोगीबील, सरायघाट समेत कई पुल आज काम करना शुरू कर चुके हैं। इनके अलावा यहां अनेक पुलों पर काम तेजी से चल रहा है। साथियों, इन पुलों के बनने से असम के अलग अलग क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सशक्त नहीं हुई है बल्कि असम के सामर्थ्य को भी नया बल मिला है। आज असम के किसानों, असम के उद्योगों के लिए नए अवसर बन रहे हैं। कनेक्टिविटी सशक्त होने से दरांग सहित पूरे असम में सामान लाना और ले जाना सस्ता हुआ है और इलाज की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा के लिए परेशानी भी कम हुई है। साथियों, पूरे असम में हमारी डबल इंजन की सरकार हवाई कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और जलमार्ग कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम कर रही है। गुवाहाटी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो, रूपसी और डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाना हो, इससे इस पूरे क्षेत्र में टूरिज्म से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। असम में रेल कनेक्टिविटी पर कितना बल दिया जा रहा है इसका उदाहरण इसी महीने देखने को मिला। असम के रेल के इतिहास में पहली बार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बोंगई गांव से सारूपेटा स्टेशन के बीच चल रही है। भाइयों और बहनों, हाल में लॉन्च की गई महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना, इससे असम की जल शक्ति का उपयोग यहां के विकास में अधिक से अधिक होने वाला है। जलमार्ग के जरिए इस पूरे क्षेत्र को आसपास के राज्यों के साथ ही भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईस्ट एशिया देशों तक कनेक्ट किया जा रहा है। हाल में तीन बड़ी रोरो फेरी सर्विस की शुरुआत असम के अंदर की गई है, जिसमें से एक पड़ोस में
नॉर्थ और साउथ गुवाहाटी को भी जोड़ती है। ये सारे प्रयास असम को देश का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाने में बहुत मदद करेंगे। मेरा असम के लोगों से आग्रह है, इन प्रयासों को रुकने नहीं देना है। आपको याद रखना है, कांग्रेस का मतलब है विनाश की गारंटी। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है अस्थिरता। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है गरीबों से विश्वासघात। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है टी गार्डन में काम करने श्रमिकों को धोखा देना। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है हिंसा और अलगाववाद। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है घुसपैठियों को बढ़ावा देना। कांग्रेस के लिए घुसपैठिए ही सब कुछ है, जबकि हमारे लिए असम के मूल निवासी, यहां की महान जनता का हित, यही हमारे लिए सर्वोपरि है। कांग्रेस लूटने के लिए असम की सत्ता चाहती है, हम असम के लोगों की सेवा करने के लिए दिन रात लगाने को तैयार है। असम के लोगों को पक्के घर मिले, हर घर में गैस हो, हर घर में नल से जल आए, ये हमारी प्राथमिकता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहां दरांग में ही क्यों बीते 5 वर्ष असम की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। अब अगले 5 साल कनेक्टिविटी की इस नींव पर यहां नए उद्योग, नए उद्यम असम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ये पूरा क्षेत्र एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। नए कृषि सुधारों के बाद देश में स्टोरेज की, कोल्ड स्टोरेज की और कृषि आधारित उद्योगों, फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए नए रास्ते खुले हैं। सरकार खुद भी इसमें भारी निवेश कर रही है और निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुवाहाटी के पास 150 किलोमीटर से भी लंबा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आने वाले वर्षों में यहां अनेक थीमेटिक पार्क, जैसे फूड प्रोसेसिंग पार्क हो, बैम्बू पार्क हो, ऐसे अनेक पार्क बनाए जाएंगे। इसका सीधा लाभ दरांग के किसानों को भी होगा और यहां के नौजवानों को भी होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत फिश प्रोसेसिंग पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ असम को मिलेगा, यहां के मछुआरे साथियों को मिलेगा। भाइयों और बहनों, आपने कांग्रेस की 15 साल की करप्ट सरकार भी देखी है और डबल इंजन की 5 साल की आपकी सेवा में समर्पित सरकार भी देखी है। कांग्रेस के राज में उद्योग बंद हो रहे थे, नए उद्योग लगाने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज नए उद्योगों के लिए नई उम्मीदें आज असम की धरती पर खड़ी है। कांग्रेस के राज में धान का किसान परेशान था, उसका धान खरीदने वाला कोई नहीं था। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते 5 साल में कांग्रेस शासन की तुलना में
5 गुना से ज्यादा धान किसानों से खरीदा है। कांग्रेस के करप्शन के वो दिन थे जब गरीबों का राशन भी कोई और खा जाता था। आज गरीबों के राशन कार्ड डिजिटल हो रहे हैं, गरीबों के राशन कार्ड की लूट को रोका जा रहा है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा से आप अपने हिस्से का राशन देश में कहीं भी जाएंगे, कहीं से भी ले सकते हैं। ये सुविधा डबल इंजन की सरकार दे रही है। भाई और बहनों, कांग्रेस के पास आज ना नेता है ना ही सही नीयत है। कांग्रेस अब एक ही नीति पर चल रही है, झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ और किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करो। इसलिए आपको कांग्रेस से सावधान रहना है, सतर्क रहना है। आपको डबल इंजन की सरकार को मजबूत करने के लिए वोट डालना है। इस बार का वोट असम की आत्मनिर्भरता के लिए, अमल निशान पर वोट असम के सांस्कृतिक वैभव के लिए, एनडीए को वोट असम की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। एक बार फिर भारी संख्या में यहां आकर हम सबको आपने आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।